अगर आप साइनस से परेशान हैं और आप एक अच्छा सा परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। और मैं यहाँ पे दो ही परफ्यूम लाई हूँ जो मैं यूज करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बोलूँगी तो मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा नहीं सूट करता है। मीन्स उसकी स्मेल से मुझे सर दर्द होने लगता है। ऐसा जिसके साथ होता होगा वो लोग रिलेट कर पा रहेंगे इस चीज़ की, क्योंकि मैं जैसे कि फॉग और भी बहुत सारे परफ्यूम होते हैं स्ट्रॉन्ग, वो सब मैं नहीं यूज कर सकती और मुझे उसकी फ्रेग्रेंस भी पसंद नहीं है। क्योंकि अगर मुझे पसंद नहीं होती है तो मेरा सर दुखने लगता है, हेडेक होने लगता है गाइस। तो ये दो परफ्यूम है, वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी। मेरे चैनल पर आपको क्रीम और प्रोडक्ट के रिव्यू मिलते हैं, तो यहाँ पे परफ्यूम का भी मैं लेके आ गई हूँ। बहुत पहले मैंने डाला था स्टार्टिंग में जब चैनल ओपन किया था, तो उस पर भी बहुत कमेंट आया था, अच्छा कमेंट आया था, पॉजिटिव कमेंट आया था। यहाँ पे गाइस जो दो परफ्यूम मैं लाई हूँ दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप साइनस से परेशान हैं और आपको हेडेक होता है कोई भी परफ्यूम यूज करते हैं, या आप कोई माइल्ड परफ्यूम ढूँढ रहे हैं माइल्ड फ्रेग्रेंस का, तो ये दोनों बहुत ही बेस्ट हैं। इसमें टू टाइप्स के फ्रेग्रेंस में आते हैं। तो गाइस ये वाला जो है मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, इवनिंग इन पेरिस परफ्यूम करके है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। आपको मेडिकल शॉप पे, आपके आसपास जो कॉस्मेटिक शॉप होगा वहाँ पे भी मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाता है, और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस। बहुत ही बेस्ट वाला परफ्यूम है, OMSR इसका जो ब्रांड है। और गाइज इसको एक चीज़ है कि यूनिसेक्स यूज कर सकते हैं, मीन्स कि इसको मेंस भी यूज कर सकते हैं और वुमेन भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को नहीं लगाइएगा बिल्कुल भी नहीं, जिनको एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम होता है वो लोग ना यूज करें परफ्यूम, मैं यही बोलूँगी। और दूसरी चीज़ है कि जो इसका प्राइस में बता दें, जो इसका है 140 है, 200 है, 160 है, इस तरीके से अलग अलग साइट पर अलग अलग है इसका। और 100 ml इसकी क्वान्टिटी मिलती है गाइज, क्वान्टिटी पर भी डिपेंड करता है कि ये कितने का मिलता है। तो जो इवनिंग पेरिस है वो 140 एंड 20 में आपको 100 ml मिलता है, बहुत ही अच्छा है, फ्रेश आपको फील कराता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। आप इसको यूज कर सकते हो, मीन्स कि डायरेक्ट स्किन पे ना यूज करें, मैं बोलूँगी कुछ आपके जो अफेक्टेड एरिया हो, मीन्स कि सेंसिटिव एरिया हो, वहाँ पर नहीं यूज कर सकते, इंटरनली इसको नहीं यूज कर सकते। परफ्यूम में एल्कोहल होता है गाइस, मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि इसमें ना दिया हुआ है 91% आपको इथिल एल्कोहल है, 1% डेप है, 8% फाइन फ्रेग्रेंस है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो परफ्यूम है, वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी, दूसरा जो है रैमसन्स का है, मिडनाइट वाला है, बहुत ही अच्छा ये भी है। इसका जो ब्रांड है वो रैमसन्स का है, 200 में आपको 100 ml ये मिलता है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, तो ये मैंने एक पॉकेट फ्रेंडली बोलेंगे इसको, मैंने एक लिया है पेन सैनिटाइजर टाइप्स में, इस पर लिखा हुआ था, मुझे मिल गया था, एक्चुअली मैंने डीमार्ट से लिया है, तो ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन भी इसका लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। ये प्लास्टिक का है, बट परफ्यूम क्या होते हैं कांच के बॉटल में होते हैं, तो जैसे कि ट्रैवल फ्रेंडली होता है ना, इतना भारी हम कांच का बॉटल ढोएं नहीं होता है, तो ऑफिस वगैरह आप जाते हो, तो इसमें आप पेन सैनिटाइजर टाइप्स में है ना, तो इसमें रख सकते हैं भर के, थोड़ा सा एक दिन के लिए या दो दिन के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं भरे, क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। और क्यों, किस रीजन से परफ्यूम आपने नोटिस किया होगा, इत्र जो भी होता है वो सब कांच के बॉटल में होता है, तो उसका रीज़न होता है, बोलते हैं अगर प्योर रोज वाटर है तो वो आपको कांच के बॉटल में ही मिलेगा गाइज। अगर आप कभी भी नोटिस नहीं किया तो नोटिस करना, कांच के बॉटल में जो आपको रोज़ वाटर मिलता है उसमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये वाला जो परफ्यूम का कैप है बहुत ही टाइट है, इसका कैप मुझे पसंद आया था रैमसन्स का, इसको मैंने, ये मेरा फर्स्ट परफ्यूम था, मैंने बहुत पहले लिया था, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग मैं बोलूँगी, तो ये बहुत टाइम तक नहीं रहता है, जैसे कि आपने ले लिया और काफ़ी टाइम तक रखा है तो इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग कम हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इसको आपको ओपन करना है बॉटल को, और देन इसमें से कैसे भरना है, जैसे आप स्प्रे करते हो जितना आपको चाहिए उतना आप भर सकते हो उसमें, तो आप भर के मीन्स आप फिर आप कवर कर दीजिए, कैप लगा दीजिए, तो आपका कैसा हो जाएगा, बहुत हैवी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, ढोना नहीं पड़ेगा, आप एक छोटा सा पेन ऐसा लगेगा पेन टाइप्स में आपने यूज कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी थी, मतलब वहाँ पे मिली थी, ऑनलाइन भी मिलती रहती है। कांच के बॉटल में जो आता है ना, कांच का बॉटल जो आता है पेन सैनिटाइजर टाइप्स में, वो बहुत महंगा आता है, मैंने देखा था कुछ 2000 के अराउंड में था, तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, तो सीधी सी बात है आप ये वाला ले सकते हो। और एक चीज़ और मुझे है, इवनिंग इन पेरिस वाला जो परफ्यूम है ना, उसका कैप
थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, पता नहीं क्यों खुल जाता है बार बार, बट गिरता तो नहीं है परफ्यूम, लेकिन क्वांटिटी बहुत है और यूज करो तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इवनिंग इन पेरिस, अगर मैं रैमसन्स के बोलूँगी कंपेरिजन में, तो इसका काफ़ी टाइम तक रहता है। अभी ये पता नहीं, स्टार्टिंग में रैमसन्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन मेरा ये वाला काफ़ी पुराना हो चुका है, अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें क्वांटिटी भी बहुत कम है। तो ये चीज़ है गाइज। और ये मैं बोलूँगी मिडनाइट जो रैमसन्स वाला है वो आपको एक बार ट्राई कर सकते हो, बट इवनिंग इन पेरिस वाला बहुत ही अच्छा है गाइज। और भी परफ्यूम है मेरे पास, मैंने जो यूज किए हैं उसका मैं बनाऊंगी, लेकिन ये दो जो है ना, जिनको साइनस है वो लोग यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली सरदर्द नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो होते हैं वो हमारे सरदर्दी बन जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो फॉग का जो फ्रेग्रेंस होता है, मतलब वो कोई दूर भी लगा रहा है तो मेरा सर दर्द चालू हो जाता है। सो गाइज, माइल्ड फ्रेग्रेंस वाले जो परफ्यूम होते हैं वो फ्रेश फील कराते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। जो और ऐसा नहीं है कि कोई परफ्यूम नहीं यूज करता है, सब लोग यूज करते हैं, किसी ओकेजन में यूज करते हो, डेली नहीं यूज करते हो, डेली नहीं यूज करना भी चाहिए। अगर आप घर के अंदर रहे तो परफ्यूम तो नहीं यूज करोगे डेफिनेटली। किसी किसी का बहुत शौक होता है तो वो लोग तो यूज करते हैं, मैंने नोटिस किया है। तो मैं तो घर के अंदर नहीं यूज करती, मैं जब भी बाहर जाती हूँ या जॉब पे जाती हूँ तो देन तभी मैं यूज करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी मजबूरी होती है, यूज करना होता है, और एक फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग भी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया है परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो इवनिंग इन पेरिस आप परचेज करिएगा, क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, कभी कभी इस पर ऑफ़र बहुत अच्छा आता है। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का या नायका का भी, वहाँ से भी कभी कभी अच्छा मिल जाता है ऑफ़र वगैरह में। नायका पे आपको पता ही है कि चीज़ें बहुत ही प्योर मिलती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पेन सैनिटाइज़र जो है आप उसको ले सकते हो, आप उसमें अपना टोनर भर के रख सकते हो, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो ट्रैवल फ्रेंडली के लिए, बहुत अच्छा है, छोटू सा है और उसमें आप कुछ भी मीन्स अपना ब्यूटी से रिलेटेड जो लिक्विड फॉर्म में हो उसको आप स्प्रे करने के लिए ले सकते हो। ऑयल आप नहीं भरेंगे, मैं ये बोलूँगी रोज़ वाटर है वो आप भर सकते हो, टोनर है वो भर सकते हो, क्लिंजर आप भर के ले जा सकते हो, आप परफ्यूम उसमें रख सकते हो। जैसे कि मैंने सिर्फ परफ्यूम के पर्पज़ से ही लिया है, अगर हैंड सैनिटाइज़र यूज करना होता तो शायद मैं उसके लिए भी वो यूज करती हूँ, क्योंकि उसका जो प्राइस है ना वो 25 है, मुझे 19 में मिल गया था ऑफ़र में। तो अगर मुझे उसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लेकिन मुझे जो लिंक पे दिखा था मीन्स अमेजॉन पे मैंने देखा था तो कांच का था और वो काफ़ी महंगा था। तो मैं देखती हूँ जैसा भी रहेगा मैं आपको दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। मेरे जितने भी जानने वाले फ्रेंड हैं प्लीज़ उनके पास अगर मेरी वीडियो पहले पहुँचती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उससे मेरे लिए इजी होता है आप तक पहुंचने में, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद अगर आप एक्टिव होते हो ना तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि नोटिफिकेशन का क्या हो रहा है, किसका आ रहा है, जिसको हम कभी नहीं देखते, जो हमारे पास कभी नहीं आते उनके भी आते हैं, तो समझ में नहीं आता है गाइस। और परचेज करने के बाद मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अंश सुंदर है विदाउट स्पेस, आप वहाँ पे फॉलो करके कोई भी क्वेरी कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है सिर्फ परफ्यूम के बारे में, अगर आप लोगों को पसंद आता है। इसके डिटेल में मैं जाऊँ तो इसमें अल्कोहल होता है गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। आप डायरेक्ट स्किन पर मत यूज करिएगा, आप इसको मीन्स क्लॉथ के ऊपर यूज करेंगे तो भी ये चलेगा। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है इवनिंग इन पेरिस वाला जो है, और रैमसन्स की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही फ्रेश फ्रेश सी है, माइल्ड दोनों है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, विदाउट स्किप करके देखना है। लास्ट में मैंने अभी वीडियो डाला था, उस वीडियो को आप लोग प्लीज़ वॉच करिए, प्यार दीजिए और वीडियो को विदाउट स्किप करके ही देखिए। बहुत लोगों की कुछ क्वेरी जो आ रहे हैं मैं नोट डाउन कर रही हूँ, एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप लोगों के क्वेरी के आंसर जरूर। ये दोनों परफ्यूम अफोर्डेबल प्राइस में है, इसके लिए इन दोनों का ही वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, अफोर्डेबल प्राइस। आई होप गाइज आपको ये दोनों परफ्यूम बहुत अच्छा लगेगा। गाइज अभी ऑफर चल रहे हैं तो 125 में भी मिल सकता है, 120 में भी मिल सकता है, जल्दी से आप इसको परचेज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर।